सो हेलो गाइस, आज हम लोग जो है वन पीस के नए एपिसोड जो कि आज ही पब्लिश हुआ, आज हम लोग उसका रिव्यू करेंगे, एपिसोड नंबर 940 का। आई होप तुमने ये एपिसोड जो है देख लिया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत अगर डाउट है, तो ये वीडियो देख लो, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। और हाँ, वन पीस का जो मांगा का जो चैप्टर है वो आज रात 8 बजे के बाद शायद सोनन जंप पे अपलोड होगा, तो अभी तक मैंने जो है वो रीड नहीं किया, तो मैं उसका रिव्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और जो है नया नाम मैंने चढ़ाया और नया लोगो कैसा लग रहा गाइज, और साथ में बैनर भी अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो देख लो, मैंने जो है ट्राई किया। और हाँ, भूलना मत, मैं वही गेमिंग ओटाकू, कंफ्यूज मत होना। तो आ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अपने कान में ईयरफोन डाल लो। तो यार, रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर दे देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जो है मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो जो है अपलोड करूँ, वैसे तो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तुम्हारे पास फटाफट से नोटिफिकेशन चला जाए और वो वीडियो तुम सबसे पहले देख पाओ। तो आओ रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जो है दिखाया जाता है कि हर कोई तोनियासु के एग्जीक्यूशन को देख रहा होता है। अब जो कोई भी पिछला एपिसोड देख चुका है उसे तो पता चल ही गया होगा कि तोनियासु का सीक्रेट क्या है। तोनियासु जो है फॉर्मर लॉर्ड था वानो का, और उसका नाम शिमोत्सुकी योसोई, ऐसा ही कुछ नाम था, मेरे से ठीक से मतलब लिया नहीं जा रहा, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत खराब है, तो उसके लिए मत गाली देना। अब इसके बाद हमें आसुरा डोजी को दिखाया जाता है जो कि होल्डेन को खोजते हुए इबोसु टाउन पहुंच जाता है, और वहां पहुंचते हुए देखता है कि तोनियासु का जो है एग्जीक्यूशन होने वाला है, और उसे जो है पर्दे में जैसे शूटिंग चल रही है, जैसे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उस टाइप से वो देख पाता है वहां पे। अब इसके बाद जो है हमें तोनियासु को दिखाया जाता है, और तोनियासु जो है हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों को जो है कुछ दिन पहले ये सिंबल मिला होगा, जिससे जो है तुम्हें लगता है कि कोदुकी क्लैन वापस आ गया है। और फिर वो बताता है कि ये सब एक अफवाह है, मैंने ही फैलाई थी, यहाँ तक कि मेरे पास कोई फौज नहीं है कि मैं अपना बदला ले सकूं। इसके बाद तोनियासु और भी कुछ बताता है, वो बताता है कि ओरोची ने जो है उसे 20 साल पहले उसे ऑफर दिया था कि वो उसके अंडर आ जाए और उसके लिए काम करे, उसके लिए ही फाइट करे। तोनियासु ये सब कहते हुए ओरोची का बुरी तरह से मजाक उड़ा देता है, और साथ में ये भी बोलता है कि तोनियासु मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 20 साल ऐसे छिपके बिताऊंगा, लेकिन हाँ, मैंने छिपके ऐसे 20 साल बिता दिया, और मैं जो है ऐसे आम मौत मरना नहीं चाहता था, इसलिए जो है मैंने ये जबरदस्ती का अफवाह फैला दिया और सबने विश्वास कर लिया। इसके बाद वो फिर बोलता है, ओरोचि इतना बड़ा डरपोक है कि वो अभी तक मेरे पास नहीं है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब ओरोचि वहाँ पे पहुँच चुका है और वो तोनियासु को देख के पूरी तरह से पागल हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि वही उसे मार दे, उसके हाथ में गन है और वो उसके ऊपर तान देता है। तोनियासु फिर से जो है ओरोचि को ओडान की याद दिलाता है और उसके जले में जो है नमक छिड़कता है। अब इसके बाद हमें काइडो को दिखाया जाता है, और काइडो जो है पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन लाइव देख रहा होता है, और साथ में इसके बाद हमें लूफी को भी दिखाया जाता है। लूफी जो है दद्दू से तोनियासु के बारे में कुछ पूछता है, और तो दद्दू जो है बताता है, और दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन चलता है, और इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है। आगे हमें इमोराहाशी को दिखाया जाता है, और इमोराहाशी जो बताता है कि ओडन और तोनियासु जो है एक टाइप से स्वान ब्रदर्स थे। इसके बाद हमें टोको को दिखाया जाता है, और टोको जो है अपने फादर को बचाने के लिए उसके भाग रही है, उसके पीछे हायरी है, जोरो है और ब्रुक भी है, और जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि टोको का फादर जो है तोनियासु है। अब इसके बाद हमें बिग मॉम को दिखाया जाता है, और तुम्हें पता है बिग मॉम कहाँ जा रही है, लूफी को बचाने के लिए, और हाँ, उसे बहाना मार के ले जाया जा रहा है, रेड बीन सूप पिलाने के बहाने लूफी को बचाने ले जाया जा रहा है, और ये कब पहुँचेगी मुझे मत पूछना, ये आने वाले टाइम पे पहुंच जाएगी, चिंता मत करो जो लोग एनिमे फॉलो करते हैं। अब आगे हमें किनिमोन को दिखाया जाता है, और किनिमोन जो है पूरी तरह से तोनियासु क्या करना चाहता है वो समझ जाता है, और वो बताता है कि हमारे प्लान का जो है बारे में सबको पता चल गया, इसलिए जो है तोनियासु अपना सेक्रीफाइस तो कर रहा, साथ में हमें बचा भी रहा है, ये सब बोल करके कि ये सब एक अफवाह है, और वो तोनियासु को देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब गाइस सही बोलूँ, जो लोग एनिमे जो है फॉलो करते हैं आप लोग जो है मतलब इसकी डेथ देख करके इमोशनल होने वाले हो, मुझे पता है, लेकिन मैं मांगा पढ़ता हूँ और मैं मुझे जो है इसकी मांगा पढ़ करके मैं उस वक्त इमोशनल हो गया था, इसमें इसकी डेथ मुझे पहले से स्पॉइलर मिल चुकी थी, इसलिए मुझे जो है ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसकी डेथ को देख करके। बट हाँ, इन लोगों ने जो ओडा ने जिस तरह से जो है साइड कैरेक्टर को भी जिस तरह से पार्ट मतलब जिस तरह से उनका अलग एक बना देता ना हर एपिसोड, मतलब कोई भी फैन हो जाएगा ओडा का, साइड कैरेक्टर तक की इतनी ज़्यादा मतलब दिखाई जाती है स्टोरी, तुम खुद सोचो। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते, इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से उसके बारे में कभी और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में वापस आते हैं, और एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि तोनियासु को जो हर कोई गोली मारता है और ब्लड की जगह पे फूल झड़ रहे हैं, मतलब यार ये वन पीस बहुत ज़्यादा लाइट हो गई, डार्क अगर ये और थोड़ा होती ना पहले जैसे, मतलब इसकी मांगा बहुत पहले बहुत ज़्यादा डार्क थी यार, अभी जो है
बहुत ही ज़्यादा लाइट हो चुकी है। और सही बताऊँ तो मुझे ये मतलब थोड़ा डाउट लगा कि मतलब थोड़ा पसंद नहीं आया मुझे ज़रा भी, मतलब इसकी डेथ थोड़ी यार ब्लड दिखाते तो मुझे ज़्यादा पसंद आता, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। तो आंसू की डेथ हो जाती है और हर कोई इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि किनिमोन और उसके जो मतलब बाकी के जो नौ ये मेंबर्स है ये लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हर किसी के आंखों से आंसू निकलने लगता है। अब इसके बाद हमें टोको को दिखाया जाता है और टोको वहाँ पर पूरी तरह से लगभग पहुँच चुकी है और तोनेयासु उसे देख करके अपनी आँखें बंद कर रहा होता है और उसे जो है कहता है कि सॉरी टोको, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पाया, माफ़ करना कि मैं तुम्हें जो है इस हालत में छोड़ के जा रहा हूँ। अब तोनेयासु जो है पूरी तरह मर चुका है। अब इसके बाद जो हर कोई विलेजर्स यहाँ तक कि टोको भी हंसने लगती है। अब ये देख करके जो है जोरो पूरी तरह से भड़क जाता है और वो बोलता है कि आखिर कैसा ये लोग कोई मर चुका है और ये लोग हंस क्यों रहे हैं। अब इसके जवाब में जो हायोरी जो है पूरी तरह रोती है और उसके बाद जो जोरो को बताती है ये सब जो स्माइल फ्रूट का कमाल है जो कि काइडो और ओरोची जो है खरीद के लाते हैं। अब देखो यार ये वही स्माइल फ्रूट है जो डोफ्लामिंगो के आर्क में जो है तुम्हें ड्रेसरोजा आर्क में तुम्हें जो है दिखाया गया था, स्माइल फैक्ट्री को जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया था स्ट्रॉ हैट पायरेट ने, ये वही स्माइल फ्रूट थी। सो गाइस इसके बाद जो एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता और मैं सही बताऊँ तो इसमें ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, जो लोग एनिमे फॉलो करते हैं सिर्फ और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब शायद इमोशनल तो हो गए। और हाँ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्माइल फ्रूट का बस आधा इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पूरी तरह डिटेल से बताया जाएगा और साथ में जो है थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलेगा जोरो और सांजी का। और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के रिव्यू में, और हाँ नेक्स्ट वीडियो क्या नेक्स्ट मांगा चैप्टर के रिव्यू में भी मिलेंगे। अभी जो नया मांगा का चैप्टर जब आएगा मैं उसका भी रिव्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो यार अभी के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर लेना। और हाँ यार 101 ही सब्सक्राइबर हैं, 102 कर दो कोई मिल जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।